पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए कैबिनेट की बैठक में ट्रस्ट बनाने का निर्णय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जल्द ही ट्रस्ट भव्य राम मंदिर का निर्माण करेगा। उमा भारती ने कमलनाथ सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ सरकार के सभी विकास कार्य ठप हो गए हैं। आईफा अवार्ड से प्रदेश की पहचान को लेकर उमा भारती ने मुख्यमंत्री पर तंज कसा और कहा कि प्रदेश की पहचान आईफा अवार्ड नहीं, प्रदेश में किसान और कृषि है और किसानों की मेहनत से प्रदेश का नाम हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने राम मंदिर निर्माण में कैबिनेट की बैठक में निर्णय के बारे में कहा कि कोर्ट के निर्देशानुसार राम मंदिर ट्रस्ट बनाया जा रहा है, जिसके बाद ट्रस्ट राम मंदिर का रोड मैप तैयार करेगी और भव्य राम मंदिर बनवाया जाएगा। उमा भारती ने AIMIM के नेता ओवैसी को भी मंदिर निर्माण के लिए आमंत्रण दिया है। आज जो कैबिनेट का डिसीजन हुआ, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, ये जो बार बार हम पे आरोप लगता है कि हम वोट के लिए करते, हमें 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बना के घोषणा करनी थी और अभी संसद लगी तो घोषणा संसद में होनी थी, तो इसलिए आज कैबिनेट ने फैसला किया और संसद में उसकी घोषणा हुई है। अब मंदिर के निर्माण में कितना समय लगेगा, ये जो ट्रस्ट बनेगा वो ट्रस्ट अपनी टाइम प्लान रोड मैप तैयार करेगा पूरा। मुख्य बात ये थी कि 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बन जाना चाहिए और एक भव्य राम मंदिर के निर्माण की योजना बन जानी चाहिए। तो आज मुझे लगता है माननीय गृह मंत्री जी ने शायद ये कहा भी है कि वो ट्रस्ट की घोषणा करने वाले हैं। उमा भारती ने आईफा अवार्ड को लेकर कमलनाथ सरकार को निशाने पर लिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की पहचान आईफा अवार्ड नहीं है, प्रदेश में स्थापित सांची स्तूप है, प्रदेश के कई पर्यटक स्थल हैं, प्रदेश की पहचान यहाँ के किसान हैं जिन्होंने खेती कर कृषि कर्मण्य अवार्ड प्रदेश को दिलाया है। आईफा से प्रदेश को कोई पहचान नहीं मिल रही। प्रदेश में कमलनाथ सरकार आने के बाद सभी विकास कार्य ठप हो गए हैं, जनता परेशान हो रही है। अब मुझे ये नहीं पता ना कि आईफा से ब्रांडिंग कैसे होगी, क्योंकि जिस प्रकार का उसमें होता है उससे ब्रांडिंग कैसे होगी। यहाँ तो लोगों को जरूरत यह है कि किसान बहुत परेशान है, उसकी फसल ठीक से हो जाए, सिंचाई की योजनाएं ना रुक जाएं, सड़कों में गड्ढे ना पड़ जाएं। अब इसमें ये जो आए थे हीरो हीरोइन, ये गड्ढे कैसे भरेंगे, बिजली कैसे देंगे, पानी कैसे देंगे, तो इसलिए इससे मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग होनी, अगर ऐसा कोई बोलता है तो बहुत सस्ता दिमाग रखता है, गंभीरता नहीं उसके दिमाग में। उमा भारती ने सीए को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है तो इसका साफ मतलब है कि विपक्ष को सीए की जानकारी ही नहीं है, विपक्ष इस पर केवल राजनीति कर रहा है, ना तो विपक्ष को सीए के बारे में पता है और ना ही शाहीन बाग में धरना दे रहे लोगों को। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर उमा ने कहा कि ये दोनों भाई बहन खुद को साबित करने के लिए बयान देते रहते हैं, सीए के विरोध में बिना पढ़े कुछ भी बोले जा रहे हैं, इसी तरह से इस घोषणा के बारे में भी बिना सोचे समझे बोल देंगे। अब आजकल क्या मीडिया का जमाना है, बोल दिया मीडिया पे आ गई आपकी बात, अब उसमें कोई आपने दिमाग लगाया या नहीं लगाया, थोड़ी देर के लिए तो बात आ ही जाएगी, बस इसलिए करते TRP में रहने के लिए दोनों भाई बहन बोलते रहते। राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी जहां गायों को मारा गया था। उमा ने शाहीन बाग में धरने को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि शाहीन बाग में गोलीकांड में पकड़ा गया युवक आम आदमी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी में ऐसा सिखाया जाता होगा। उमा भारती ने सक्रिय राजनीति पर बयान देते हुए कहा कि वे अगला चुनाव लड़ेंगे और वे हमेशा से सक्रिय राजनीति में रही हैं। मैं तो सक्रिय राजनीति में हूं बाबा, आप चुनाव की राजनीति से क्यों, चुनाव तो लड़ूंगी ना मैं 2024 का। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।